बुलंदशहर की टूटी फूटी बदहाल सड़कों को मरम्मत कराने के संबंध में बुलंदशहर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अखिल भारतीय व्यापारी सुरक्षा फोरम ने दिया ज्ञापन। साथ ही कहा कि सड़कों की हालत इतनी बदहाल है कि यहां पर पैदल चलना और दो पहिया वाहन अथवा कार आदि का चलना इतना कठिन हो गया है जिसको शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। और ऐसी बदहाल सड़कों पर डिवाइडर लगा दिया गया है जिसके चलते लोगों को और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद नगर में सिविल लाइन पड़ने के बाद सड़कें इतनी टूट रही हैं कि नए सिरे से ही बनने पर हो सकता है व्यापारियों की समस्याओं का समाधान। जा रही है, सड़कें टूट चुकी हैं, नगर पालिका नहीं सुन रही है, क्या ज्ञापन है, क्या क्या विषय है आपका? ये टूटी सड़कों के विरोध में ही व्यापारी आज सड़कों पर उतरे हैं और लगातार सड़कों पर उतर के ना केवल नगर पालिका का, ना केवल जल निगम का, बल्कि जिला प्रशासन का भी विरोध करेंगे। हमने कल निर्णय किया था मुख्य कोर कमेटी की मीटिंग में, जब तक ये व्यवस्थाएं सही नहीं होंगी हर सप्ताह व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे। आज पहली शुरुआत है, आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, जिलाधिकारी के बाद अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को द्वारा जिलाधिकारी बुलंदशहर इसी तरह से प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपेंगे। और हमारी प्रमुख मांग है, क्योंकि जल निगम के द्वारा ये सड़कें बनाई जा रही हैं, जो सड़कों पर नीचे ये खोदी गई थी सीवर लाइन के लिए, तो ये जो बनाई गई हैं इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इसमें यही पता नहीं पड़ रहा कि बालू के अंदर सीमेंट डाला है या सीमेंट के अंदर बालू डाला है। इतनी कच्ची सड़कें हैं, जो आप सब लोगों ने देखा होगा, अंसारी रोड पर 92 वर्ष पूर्व अंग्रेजी हुकूमत में सड़क बनी हुई थी जो बहुत अच्छी थी, लेकिन सीवरेज की वजह से वो सड़क भी खुद गई और आज जीर्ण शीर्ण बदहाल हालत में पड़ी हुई है। हमारा आग्रह है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार को, जिला प्रशासन के लोग अपने बेईमान और भ्रष्टाचार की गतिविधियों के कारण हो सकता है कि अगले बार व्यापारी भी इन लोगों के खिलाफ आएँ। मेरा माननीय योगी जी से आग्रह है, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, कि व्यापारियों की मांग को सुने। व्यापारी आपका महत्वपूर्ण वोटर है, अगर आपने अपने वोटर की नहीं सुनी, हमें व्यापार करने में बड़ी समस्याएँ आ रही हैं हमारे व्यापारी को, आपसे आग्रह है कि आप जल्दी से जल्दी हमारी मांगों पर विचार करें और इनका निराकरण करें। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।